Images on your screen right now of Prime Minister Modi meeting with the braves of the Galwan Valley clash. This is the first images that we're getting to you right now of Prime Minister Modi meeting with the soldiers of the Galwan Valley. These are the soldiers who fought bravely and were injured in the Galwan Valley clash of June the 15th. And these are pictures of the Prime Minister at the 153 General Hospital. जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई की, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं, वे भी ऐसे ही नहीं हैं। आप सब ने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल हैं, अस्पताल में हैं, इसके शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है, और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब यह मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा है, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया के किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम, इसी मिजाज के साथ आओ, हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। भारत माता की जय।